ये मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का राशिफल है और हमने अपनी थीम को जारी रखा है कि क्या होता है जब जब कोई मेष राशि के लोगों से झूठ बोलता है। इस विषय के बारे में भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रेवल एंड मैसेज ऑफ द मंथ की बात करेंगे जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करते हैं और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाते, सीधा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। देखो भाई एरीज मेष राशि वालों, सितंबर का महीना है, यहाँ पर जो है मौसम बदलेगा काफ़ी तेजी के साथ में, तो आपको जो है यहाँ पर अपने सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वैसे अगर हम ओवरऑल तौर पर देखें तो एक अच्छा हेल्थ, अच्छे हेल्थ की कंडीशंस आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, लेकिन थोड़ा मौसम का चेंज की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, तो उसके लिए छोटी मोटी मेडिसिन से भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या हो रहा है, तो आप सही कदम आपने उठाए हुए हैं, लेकिन कुछ हेल्प की यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है ज़रूरत महसूस हो रही है हल्की फुल्की यहाँ पर, कि आपको हेल्प ले लेनी चाहिए किसी ना किसी की, तो वो हेल्प मिलेगी तो आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास कैरियर, कार्यस्थल पर चीज़ें जो है वो आपके अनुरूप चल रही है, लेकिन एक आध दो दुष्ट लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं आपके कार्यस्थल पर, उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि लो प्रोफाइल मेंटेन करें और नया जॉब ढूंढना शुरू करें। अगर वहाँ पर ये लगता है कि अब यहाँ पर कोई नो रिटर्न वाली पॉलिसी है तो बिल्कुल नया जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस की, रुपए पैसे की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल लग रही है, बिकॉज पिछले जो इन्वेस्टमेंट थे थोड़े से यहाँ पर वो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ये मंथ दे करके जाएगा। नेक्स्ट है लव लाइफ की, प्यार की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और प्यार की लाइफ में या लव लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें ठीक ठाक बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ठीक ठाक हैं लेकिन उनकी अंडर करंट जो है, यानी कि जो उनके अंदर का मामला है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर वैचारिक मतभेद थोड़े बहुत दिखने लगे हैं, उनको समय रहते हुए दूर कर लीजिए तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपकी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो है कोई थर्ड पार्टी है या कोई ना कोई जो है दोनों में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप दोनों समझदार हैं तो बिल्कुल समझिए, एक दूसरे के साथ रहिए और बिल्कुल जो है कोई यहाँ पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, आपकी यारी दोस्ती का माहौल जारी रहेगा, जैसा आप चलाते आए हैं अब तक बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। नेक्स्ट है फैमिली, परिवार का आपको अच्छा साथ मिल रहा है इस बार, बढ़िया जो है आपके लिए, आपके घर के लोग सपोर्ट करेंगे आपको और एक तरह से शांति का माहौल बना रहेगा। यात्राओं के विषय में कहानी यह है कि यात्राएं आपकी काफ़ी सारी हैं और यात्राएं जो है वो ठीक ठाक रिजल्ट आपको देने वाली है। ठीक है, इवन कोई आप एक छुट्टी वगैरह पे भी आप जा सकते हो अपने परिवार के साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास मैसेज ऑफ द मंथ कि क्या होता है जब कोई मेष राशि के लोगों से झूठ बोलता है। मेष राशि के लोग जो है वो झूठ पकड़ने की मशीन होते हैं, मतलब उनको झूठ जो है वो फौरन पकड़ लेते हैं। कोई भी आदमी कितना भी झूठ बोल रहा हो वो अपने चेहरे के भाव से झूठ नहीं बोल सकता, और मेष राशि वालों को ये पता लग जाता है। जैसे ही उनको ये पता लगता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, ये बात तो सच है कि सामने वाले ने झूठ बोला। अब सामने वाले ने झूठ बोला तो उसकी क्या वजह है मेष राशि वाले वो भी जानना चाहते हैं, इसके पहले वो कोई पनिशमेंट दें। अगर वजह वाजिब लगी उनको कि ये झूठ जो है वो बहुत ही एक खास असाधारण परिस्थिति में बोला गया, किसी की जान बचाने के लिए बोला गया, या यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि जिसमें झूठ से ही काम चल सकता था, तो वो जो है ऐसे लोगों को हिसाब से जो है डील करते हैं फिर उसके बाद। लेकिन अगर कोई आउटराइटली धोखा देने के लिए सिर्फ झूठ बोल रहा हो तो मेष राशि वाले उसको दूर कर देते हैं अपने से हमेशा हमेशा के लिए। झूठ से सख्त नफरत है मेष राशि के लोग। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।